देखो जी, अब तो सरकार ने भी बोल दिया कि बहुत से इलाकों में लोग लॉकडाउन को सीरियसली ले ही नहीं रहे, जिसकी वजह से पिछले 24 घंटे में 200 प्लस केसेस हुए हैं। रेडियो सिटी 91.1 पर रेडियो के आदि मानव के साथ हैं आप, और आपको ये बताने के लिए कि ये लॉकडाउन कितना जरूरी है, हम आपको एक साइंटिफिक एंगल सुनाते हैं। बिल्कुल, आज हमारे साथ हैं डॉक्टर प्रदीप चौबे, जो है चेयरमैन मैक्स हॉस्पिटल साकेत से। सर, ये लॉकडाउन साइंटिफिकली और मेडिकली कितना इम्पोर्टेंट है? हमारे प्राइम मिनिस्टर ने जो 3 हफ्ते का लॉकडाउन किया है, ये मेरे ख्याल से एक बहुत ही बोल्ड स्टेप है और साइंटिफिकली और मेडिकली बहुत अच्छा स्टेप है, और इसके अलावा कोई दूसरा तरीका नहीं है जिससे हम थर्ड स्टेज के प्रोपोगेशन को प्रिवेंट कर सके, जिसको हम कम्युनिटी स्प्रेड कहते हैं। क्योंकि जब कम्युनिटी स्प्रेड होता है तो एक तो पहली बात तो ये बहुत तेजी से होता है और बहुत जल्दी मल्टीप्लाई करता है। तो जिस वक्त से ये लॉकडाउन हुआ है, उस वक्त अगर हम अपनी फैमिली में रह रहे हैं तो कम्युनिटी में ये स्प्रेड नहीं होगा। मैं काफी ऑप्टिमिस्ट हूँ कि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट लैंडमार्क एंड हिस्टोरिकल डिसीजन माना जाएगा इन कमिंग टाइम। इंडीड डॉक्टर चौबे, आई होप आपकी ये बात सुनके अब लोग और रिलीजियसली इस लॉकडाउन को फॉलो करें। बिल्कुल, एंड बाकी सर एक सवाल जो लगातार हमारे पास आ रहा है, क्या प्राइवेट हॉस्पिटल्स और लैब्स में अब COVID-19 का टेस्ट अवेलेबल है? पिछले कुछ दिनों में ICMR ने और गवर्नमेंट हेल्थ मिनिस्ट्री ने कुछ प्राइवेट सेटअप्स में ये इन्वेस्टिगेशन की फैसिलिटीज परमिट कर दी है, जैसे मैक्स हॉस्पिटल्स हैं, फोर्टिस के SRL डायग्नोस्टिक्स हैं, डैंग है, लाल है और इंद्रप्रस्थ अपोलो है। परफेक्ट, आई होप इस टेस्ट की किसी को जरूरत ना पड़े, बट थैंक यू फॉर ऑल द इन्फॉर्मेशन सर, थैंक्स अ लॉट। ये थे डॉक्टर प्रदीप चौबे मैक्स हॉस्पिटल साकेत से। हम है रेडियो सिटी 91.1 पर रेडियो के आदि मानव, जो हाथ जोड़ के आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, प्लीज स्टे इंडोर्स, प्लीज अपने अपने घरों में रहें और कहीं ना जाएं। रग रग में दिल्ली सिटी।